हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदा नुलेखा। मिस कंटेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 kg मिल्क लिया है, माने दूध, ये मेरा बचा हुआ दूध है और अब मैं इसे गैस में गर्म करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, अब ये गर्म हो रहा है और ये मेरा बचा हुआ दूध है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए देखिए यहाँ पर कितनी मोटी मलाई आपको दिख रही है, ये मेरे बचे दूध के कारण है। अब इसमें से आपको मलाई नहीं निकालनी है, आपको मलाई के साथ ही इसे गर्म करना है दोस्तों। तो ये मेरा दूध गर्म हो रहा है। अब ये देखिए, मेरा पूरा दूध गर्म हो चुका है और मलाई भी देख रहे हैं आप जैसा कि पूरी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इधर गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो दोस्तों तो आप इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने विनेगर डाल दिया और मैं इसे अच्छे से जल्दी जल्दी चलाऊंगी। ये देखिए, आपको चलाते रहना है ये देखिए, ताकि विनेगर पूरा अच्छे से सब दूध में लग जाए। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना छेना आ गया हमारा। ये देखिए दूध फट गया है, ये देखिए पानी छोड़ दिया है पूरे दूध ने और छेना छेना सा अलग हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ पर पानी, ये देखिए अलग हो चुका है, इसका मतलब हमारा दूध फट गया अच्छे से। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी, ये देखिए, और इसे दूसरे पतीले में छान लूँगी। यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा ना हो तो आप एक कॉटन का कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई कॉटन की चुन्नी हो तो वो भी यूज़ कर लीजिएगा। ये मैं छान दूँगी इसे अच्छे से। ये देखिए मेरा हल्का सा गर्म है, आप पूरी अच्छे तरीके से ठंडा रखिएगा, फिर उसे अच्छे से छानिएगा। ये मेरा छन गया है और यहाँ पर ये देखिए, मैं अब इसकी अच्छे से पोटली बना के इसमें से पानी को अच्छे से निचोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको इस पानी को ना फ्रेंड्स फेंकना नहीं है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन वाला पानी है। आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हो घर में तो इसमें आप उसमें मिक्स कर दीजिएगा। आप इसे फ्रिज में 2-3 दिन रख सकते हैं। अब मैं इस जो मेरी पोटली वाली छेना की जो पोटली थी उसमें से अच्छे से मैं पानी को निचोड़ लूँगी। ये देखिए ऐसे आपको पूरा पानी निकालना है और अब इसे आपको ऐसा थोड़ा सा चपटा करके एक प्लेट लेना है और उसमें कोई भी एक भारी चीज़ रख देना है। तो मैंने एक चकला लिया है अपना, आप कोई भी भारी चीज़ रख दीजिएगा 7-8 घंटे के लिए। अब ये देखिए 7-8 घंटे के बाद मैंने इसको हटाया। ये देखिए, अब जो मेरा फटा हुआ दूध था वो पनीर में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे से पनीर हमारा बन गया है। अब इसे आप ठंडे पानी में रखिए, फ्रिज में 2-3 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको काट के भी बता देती हूँ। ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा पनीर बन गया है, ये देखिए। तो वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।